हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हैप्पी प्लांट्स। फ्रेंड्स, ये प्लांट है टोरेनिया का प्लांट है ये। आज मैं इसके बारे में आपको कुछ केयर टिप्स बताऊंगी। फ्रेंड्स, इसका सीज़न चल रहा है, अभी विंटर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा और नर्सरी में इसके बहुत सुंदर सुंदर कलर आ रखे हैं अभी। इसलिए मैंने सोचा कि अभी आपको इसकी केयर टिप्स बता देती हूँ, ताकि आप ये प्लांट्स ला के और विंटर में अपने गार्डन को फूलों से भर दें। फ्रेंड्स, सीज़न की बात करें तो यह विंटर में फ्लावरिंग करता है, पर यह ऑल सीज़न प्लांट है। ये आपके पास अगर ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है तो ये प्लांट गर्मियों में भी आपके पास रह सकता है। फ्लावरिंग नहीं करेगा पर यह प्लांट टिक सकता है, और फिर बाद में इसके विंटर में आप इसको फिर से खाद दे देंगे तो ये फिर से फ्लावरिंग पे आ जाएगा। ये पर्पल कलर का है फ्रेंड्स, इसमें लाइट पिंक, डार्क पिंक, कई तरह के कलर आते हैं इसमें। अभी आप नर्सरी में जाओगे तो इसके फूल देख लीजिए आप, इस तरह के इसके फूल होते हैं। अभी नर्सरी में बहुत सारे कलरों में आ रखा है। प्रोपोगेशन की बात करें तो फ्रेंड्स, इसको बीज और कटिंग दोनों द्वारा लगाया जा सकता है। इसके इस तरह से ये फूल सूखने के बाद में, ये देखिए इसका फूल सूख गया है, इसके बाद में इसमें सीड बनने लगते हैं। तो आप इसके सीड को कलेक्ट करके और फिर इसको ग्रो कर सकते हैं। और अगर आपको कटिंग से ग्रो करना है तो इसकी इतनी इतनी सी कटिंग ले लीजिए और इसको मिट्टी में कहीं भी लगा दीजिए, गमले में साइड में। तो ये दोनों से, बीज और कटिंग दोनों से बहुत आसानी से लग जाता है फ्रेंड। लोकेशन की बात करें फ्रेंड्स, तो इसको सीधी धूप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। सर्दियों में भी इसे सुबह की 2-3 घंटे की धूप मिले ऐसी जगह पे रखना चाहिए। सीधी धूप अगर इस पे पड़ेगी तो ये बहुत कच्चा प्लांट होता है फ्रेंड्स, ये ख़राब हो जाता है। तो आप इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ इसको 2 या 3 घंटे की सुबह सुबह की धूप मिले। और अगर आपको गर्मियों में इसको बचाना है तो इसको आपको ग्रीन नेट के नीचे या सभी पौधों के जैसे बीच में, ऐसे इस तरह से आपको इसको रखना पड़ेगा गर्मियों में। और सर्दियों में ये 2-3 घंटे की सुबह की धूप इसके लिए इनफ है। वाटरिंग की बात करें तो फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, जैसे इसकी मिट्टी में मॉइस्चर ज़्यादा देर होल्ड हो इस टाइप से नहीं चाहिए इसको। आप सर्दियों में 2 या 3 दिन से और गर्मियों में डेली आप इसको वाटरिंग कर सकते हैं, पर इसकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, इसमें पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। जब एक बार इसकी मिट्टी सूख जाए, ऊपर से ऊपरी सतह सूख जाए, तब इसको दोबारा वाटरिंग करना। मिट्टी फ्रेंड इसको कैसे चाहिए, इसका सॉइल मिक्सचर हम कैसे बनाएं? इसको फ्रेंड वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, जिसमें गार्डन सॉइल और रेत ले लीजिए इसमें ज़्यादा, ताकि इसमें पानी ना रुक सके। और फिर इसमें आधे मात्रा में वर्मी कंपोस्ट या काउडंग, या फिर बाद में आप किचन वेस्ट कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें कोकोपीट मत डालना, क्योंकि इसको मॉइस्चर ज़्यादा देर होल्ड रहेगा तो ये प्लांट ख़राब हो जाएगा, और कोकोपीट मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है। हम उन्हीं प्लांट में कोकोपीट डालते हैं जिसमें हमें मॉइस्चर होल्ड करवाना होता है। इसमें मिट्टी सूख जानी चाहिए एक बार वाटरिंग के बाद, इसलिए इसमें कोकोपीट नहीं मिलाना इसके मिक्सर में। पेस्ट अटैक बोले तो इस पर मिली बग लग जाते हैं। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो ये घना घना सा प्लांट हो जाने के बाद इसके अंदर मिली बग लग जाते हैं। तो आप या तो साबुन के पानी से इसको वॉश कर दीजिए, या इसमें आप टाइम टाइम पे 2 या 3 दिन से अगर नीम ऑयल भी छिड़कते रहोगे तो फ्रेंड इसमें मिली बग या कोई भी पेस्ट अटैक नहीं होगा। अगर ये जैसे इसमें सूखी पत्तियाँ हैं तो इस तरह से ये हटाते रहिए, इससे इसमें पेस्ट अटैक नहीं होगा। और अगर आप 2 या 3 दिन से नीम ऑयल छिड़कते रहोगे तो वैसे भी कोई भी पेस्ट नहीं लगेगा इसमें। अगर ये मान लीजिए ज़्यादा ही ख़राब हो जाता, आपने ध्यान नहीं दिया और अगर ये ज़्यादा मिली बग लग गए, तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसकी साफ साफ से छोटी छोटी कटिंग ले लीजिए, जहाँ मतलब ये बचा हुआ हो थोड़ा बहुत, तो उसकी कटिंग लेके आप लगा दीजिए कोई भी गमले में अलग से, तो ये दोबारा ग्रो कर जाएगा। केयर टिप्स में फ्रेंड्स इसके ये है कि अगर आपको इसके लगातार फ्लावरिंग चाहिए, तो आपको ये जैसे ही फूल
खिल के ख़त्म हो जाए तो इसको यहाँ से सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए ऊपर ऊपर से, जैसे अब ये बड आ रही है, फिर ये जब खिल के सूख जाए इस तरह से, तो अगर आपको सीड नहीं चाहिए तो आप इसको यहाँ से प्रूनिंग कर दीजिए, सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए। फिर इसकी मिट्टी में आप थोड़ी सी एक मुट्ठी भर में कंपोस्ट डाल के और वाटरिंग कर दीजिए, तो ये फिर से दोबारा से ब्लूमिंग पर आ जाएगा। और अगर आपको सीड कलेक्शन करना है तो आप इसको फिर सूखने दीजिए, ये फूल को इसी के ऊपर सूखने दीजिए जैसे ये सूख रहा है, फिर इसमें सीड बन जाए तब आप इसको काट कर और इसके सीड को सेव करके रख लीजिए। दोबारा से इसका प्रोपेगेशन अगर आपको करना है तो ये फरवरी से लेके अगस्त तक आप इसकी सीड कभी भी लगा सकते हैं, और ये कटिंग से भी बहुत जल्दी से ग्रो हो जाता है फ्रेंड्स। अब जैसे अब इसकी कई कटिंग लगा दीजिए, अब सीजन चल रहा है इसका, और अभी आप नर्सरी में जाएंगे तो ये बहुत सुंदर सुंदर कलर भी मिल जाएंगे आपको। तो फ्रेंड्स ये मेरी जानकारी थी टोरेनिया प्लांट पर, आप इसे लगाइए और सर्दियों में आपका बगीचा बहुत फूलों से भर देगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।